का दे दो। और अपन लगभग लेफ्ट साइड आ चुके हैं और यहाँ पे देखो अभी एलईडी स्क्रीन का जो है चल रहा है और यहाँ पे भी लोग बैठ रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी वो अपन मतलब इतना बारिश के बावजूद कथा सुने ला होता कैसे लगा था? तो भाई लोग देख सकते हो आप लोग इतने सारे पब्लिक श्रद्धालु आज आए हैं यहाँ शिवमान की महापुराण की कथा में। आप लोग आज लोगों से पूछते हैं कि इतने बारिश में भी कैसा है। आप सभी के मनो और गीला हो चुका है लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए हैं मस्त कथा सुनने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल अमित व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से अपन आ चुके हैं कथा स्थल जयंती स्टेडियम में और आज का जो वातावरण है बहुत ही गीला गीला है क्योंकि पूरा रात भर से पानी गिरा, फिर सुबह फिर पानी गिरा, अभी जाके छोड़ा है, पूरा चारों ओर गीला है। अंदर का व्यू कराएंगे कैसा है क्या है, शुरू से आज तक बनी रहिएगा वीडियो में। बाकी देख सकते हो स्थल का हाल पूरा गीला गीला, पूरा पंडाल वंडाल उड़ गया। तो रात में गाइस इतना भंडारा रहता है ना कि मजा ही आ जाता है। कल जैसे कि अपन लोग वहां पे बांट रहे थे अभी तो हम पानी भर गए। अब देखो पूरा हाल पूरा कैसा हो गया एकदम कीचड़ कीचड़, लेकिन लोगों की श्रद्धा भक्ति इतनी है कि गीला होने के बावजूद वहां पर बैठ के कथा सुनेंगे। और यहां पे कुछ बट रहा शायद और वहां पे देखो मैं दिखाता हूँ कैसे टाइप से पूरा गीला हो गया, लेकिन लोगों की श्रद्धा भक्ति जबरदस्त है। देखो गाइस पूरा कैसा हो चुका है। बाकी चलते हैं अपन भी। गाइस देख सकते हो आप सब कितना ज्यादा यहाँ पे गीला गीला है लेकिन लोग बैठे हुए हैं अपना व्यवस्था के अनुसार। अभी फिर पानी गिर सकते हैं, मौसम बन रहा है। और देखो भीड़ पूरा हो चुका है और अपन नहीं पता कहाँ से जाके बैठेंगे या देखेंगे। और देखते हैं देखो पूरा कीचड़ कीचड़ लोग फिर भी बैठे हुए हैं, मतलब श्रद्धा भक्ति जो है ना नेक्स्ट लेवल में है। चले देखो गाइस अपन आ चुके हैं पंडाल के लगभग लेफ्ट साइड में और यहाँ का व्यू कुछ ज्यादा कच्चा, इस तरफ भी पूरा चारों ओर गीला हो चुका है लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए हैं मस्त कथा सुनने के लिए। और उधर से और लोग आ रहे हैं क्योंकि 2 बजने वाला है। वहाँ पे भी कुछ बट रहे हैं, क्या बट रहा है अभी चलो देख के आते हैं। और मज़ा भी आता है यार, मस्त मज़ा आता है और ये सब चीज़ को बहुत मिस करने वाले यार। और अपन लगभग लेफ्ट साइड आ चुके हैं और यहाँ पे देखो अभी एलईडी स्क्रीन का जो है चल रहा है और यहाँ पे भी लोग बैठ रहे हैं। देख सकते हो आप लोग इतने सारे पब्लिक श्रद्धालु आज आए हैं यहाँ शिवमान की महापुराण की कथा में। आप लोग आज लोगों से पूछते हैं कि इतने बारिश में भी कैसा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी वो अपन मतलब इतना बारिश के बावजूद कथा सुने ला होता कैसे लगा था? भगवान को भोग लगाने की अपेक्षा किसी भूखे को दूध पिलाते
कहाँ लाओ तुम ना सुपेला ले ना आज आओ की रोज आओ आज आओ तब मजा आता ना कथा में। तो चलते हैं आगे और भी बात करते हैं लोगों से क्या है कैसे है, क्योंकि इतना बारिश होने के बावजूद भी लोग कथा सुनने आ रहे हैं, तो बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है और जानते हैं। यहाँ से देखो पूरा कीचड़ है, लेकिन लोगों का आस्था और विश्वास होने के बाद में भी आप गीले में अपना पानी आ रहा है आसन जमा कर बैठे हैं, कोई खड़े होकर कथा श्रवण कर रहा है, निश्चित ही आप सभी की अपार श्रद्धा और भक्ति है। और वैसे भी इस जीवन में हमने आकर किया कहा है, देख सकते हो कि यहाँ से पानी बह रहा है, लोगों का श्रद्धा भक्ति कितना ज्यादा है। देखते हैं आगे आगे पूरा फूल हो चुका है, उसके बाद और उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देखो कहाँ बारिश में ठंडी लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो इधर पानी बढ़ रहा है, लेकिन तो अभी यहाँ भक्त लोग बैठे बैठे हैं। अभी कुछ लोगों से बात करेंगे, अंकल से पूछते हैं। अंकल आपको पानी गिर रहा है और कथा सुनने में आपको इंटरेस्ट है? अब महादेव का भजन सुनने आए हैं तो पानी गिर रहा है उसको भी अपने। अच्छा, और पानी भी गिर रहा है और आप इतना सारे पब्लिक यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन व्यवस्था वगैरह कुछ श्रद्धा है आस्था है सब भोलेनाथ पार करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे भक्त लोग इधर हैं और पानी जो है गिरे जा रहा है, कथा भी स्टार्ट हो गया है, हम लोग भी इधर व्लॉग बना रहे गाइस। बहुत पब्लिक है, ये पावन